चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चावल 1 किलो, तकरीबन 1.25 किलो मुर्गा, कुकिंग ऑयल प्याज 1 अदद, 1 अदद टमाटर, लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, गर्म मसाला पिसा हुआ 3 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। सबसे पहले हम चावलों को खुले पानी में 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, उसके बाद प्याज काट कर घी में फ्राई करेंगे। अब हम प्याजों को घी में हल्का ब्राउन करेंगे। जब प्याज हल्के ब्राउन हो जाए, तकरीबन आधे ब्राउन हो जाए, तो आप इसमें लहसुन शामिल कीजिए, अदरक लहसुन की पेस्ट पिसी हुई, और साथ ही आप चिकन शामिल कर दीजिए और चिकन को थोड़ा ब्राउन कीजिए। देखिए आपका चिकन अब तकरीबन हल्का ब्राउन हो चुका है। अब आप इसमें पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला और नमक, दड़ा मिर्च शामिल कीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनिए। मसाले को भुनने के बाद आप उसमें टमाटर शामिल कीजिए, लंबे लंबे काटिए। और थोड़ी देर और भूनिए, साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाइए। अब मसाला ठीक अच्छी तरह बन चुका है मुर्ग भी, तो आप इसमें याद रखिए, घर में आप कोई भी चीज़ नाप के लिए रख लीजिए कि ये 3 गिलास 1 किलो चावल, तो हमने इसमें 4 गिलास पानी ऐड करना है। और ये 4 गिलास पानी। अब आप इसको ढक दीजिए, जब उबाल आए पानी को तो आप उसमें चावलों का पानी निथार के चावल शामिल कर दीजिए। पानी को उबाल आने के बाद आप इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च शामिल कीजिए। अब इसमें पानी अच्छी तरह निथारने के बाद आप चावल शामिल कर दीजिए। चम्मच लाइए, ठीक तरह चावलों को मिक्स कीजिए और ढक दीजिए। 10 मिनट बाद आप चावलों को चेक कीजिए, हल्के हाथों से चम्मच चलाइए, देखिए अब पानी खुश्क हो चुका है। अब हल्के हाथों से चम्मच चलाइए और चूल्हे को डिम कर दीजिए, बिल्कुल आहिस्ता धीमी आंच पे दम पे चावलों को रख दीजिए। 5 मिनट के दम के बाद देखिए आपका मज़ेदार पुलाव तैयार। डिश में निकालिए, गर्मा गर्म पुलाव
दानी जब भी तबीयत करे मामा के हाथ का पुलाव खाने की, तो ये वीडियो देखिए, कर पुलाव बनाइए और एंजॉय कीजिए आपका मजेदार पुलाव तैयार।